तो आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर के आए हैं। ये बात है 1980 के टाइम की। तो ये कहानी सुनने से पहले आप अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए, लाइट डिम कर दीजिए और एक डर को महसूस कीजिए। ये कहानी एक डॉक्टर की है जिसकी नई नई पोस्टिंग जमशेदपुर के किसी अस्पताल में हुई थी और उसी अस्पताल के साथ इस डॉक्टर को एक अपार्टमेंट भी अलॉट हुआ था और उस अपार्टमेंट के साथ उसको एक मेड भी मिली थी, मतलब कि जो उसका खाना वगैरह बनाती है, जो भी उस पूरा काम करती है, वो मेड उसको यहाँ पर उसी अपार्टमेंट के साथ मिली थी। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो 2 महीने हैं इस डॉक्टर के, बहुत पूरी अच्छी तरह से एकदम नॉर्मल तरीके से निकलते हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि 2 महीने बाद इसके साथ क्या होने वाला है। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद छठ पूजा का त्यौहार आता है जिसमें मैक्सिमम स्टाफ को छुट्टी मिल जाती है पर इसे छुट्टी नहीं मिलती है। अब जिन जिन जिनको जो छुट्टी मिली थी वो क्या करते हैं, अपनी छुट्टियां मनाने अपने घर को चले जाते हैं, पर इसको छुट्टी नहीं मिली थी तो ये अपने घर नहीं गई थी कि वहीं स्टे कर रही थी। तो उसी दौरान ये अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके अपने अपार्टमेंट में गई और अपार्टमेंट में जा कर के थोड़ा फ्रेश होकर के ये रेस्ट कर रही थी। तो वहीं पर रेस्ट करते करते इसको ऐसा फील होता है कि इसके कमरे में इसके साथ साथ और कोई भी है। वहीं पर किसी के चलने की आवाज़ भी आती है, पर इसने ये सोचा कि मैं कुछ ज़्यादा थक गया हूँ, हो सकता है ये मेरा भ्रम है, तो मैं कुछ ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। तो उसने सोचा कि ये आवाज़ें ऐसे ही आ रही है, मतलब उसने आवाज़ों को, और उसको ऐसा फील हुआ कि उसको कोई और भी देख रहा है, उसने उसको इग्नोर करा, ठीक है। पर उसके बाद जब वो रेस्ट करके वो अपनी मेड से मिलती है तो उसने बातों ही बातों में अपने मेड को ये बताया कि आज उसके साथ क्या हुआ, मतलब कि आवाज़ आ रही थी और उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसको कंटिन्यू कोई देखे जा रहा है। जैसे उसने ये बात मेड को बताई तो मेड उसको ये बोलती है कि मैम, इसके पहले आप, मतलब आपके यहाँ पर आने से 5 साल पहले यहाँ पर एक पति पत्नी रहा करते थे और पति ने क्या करा था, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था और उस मेंटली डिस्टर्बेंस होने की वजह से उसने उसकी पत्नी पर चाकू लगा दिया था, उसका मर्डर कर दिया था। तो जब उसके बाद से यहाँ पर कई लोगों ने एक औरत को लाल साड़ी और सफ़ेद साड़ी में घूमते हुए देखा है और तब से ये जो मकान है, जिस मकान में आप रह रही हैं, ये हॉन्टेड है। कई कई लोगों को ये जो औरत है वो दिखाई पड़ जाती है और कई कई लोग इसे फील करते हैं, क्योंकि ये आप सबको पता है कि ये सब जो पैरानॉर्मल वाली बातें हैं और मतलब जो जो भी ये भूत वगैरह प्रेत वगैरह होते हैं ये कब देखते हैं, इसके लिए तो या तो फ्रिक्वेंसी आपकी एकदम पर्टिकुलर होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी के साथ साथ एनर्जी और एक टाइम पीरियड होना चाहिए तभी ये दिखते हैं, अदरवाइज़ ये हर किसी को दिखते नहीं हैं। तो उसी से मतलब मैड ने उसको ये सारी बात बताई तो वो जो डॉक्टर थी उसने ये बोला कि नहीं, मैं एक साइंस स्ट्रीम से हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मैं इन सब भूत प्रेत वाली बातों को नहीं मानती हूँ। तो फिर वहाँ से मैड चली जाती है और डॉक्टर वापस सोती हैं और सुबह अपना हॉस्पिटल जा कर के अपना वर्क करती हैं। तो उसके 2-3 महीने, मतलब 3 महीने मान लीजिए, 3 महीने तक उसके साथ कोई घटना घटित नहीं होती है, उस डॉक्टर के ज़िंदगी एकदम पूरी अच्छी तरीके से चल रही होती है, एकदम नॉर्मल तरीके से उसकी लाइफ चल रही होती है। बट 3 महीने बाद वो अपना ड्यूटी कंप्लीट करके
मतलब जैसे कि 3 महीने तो हो गए, 3 महीने एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन किसी एक दिन की बात है, वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वापस अपने अपार्टमेंट में जा रही थी, और अपार्टमेंट में जाकर वापस वो फ्रेश वगैरह होती है, और अपने फ्रेश वगैरह होने के बाद अब वापस वो रेस्ट करती है। अब जैसे ही वो रेस्ट करती है तो वो क्या है कि थोड़ी राइट साइड करवट लेकर के सो रही थी। अब उसको ये फील होता है, वापस उसको वही फील हो रहा है कि उसको कोई देख रहा है, उसको कोई देख रहा है। पर थोड़ी देर बाद होता क्या है, जो उसका जैसा कि उसने राइट साइड करवट ले रखी थी, लेफ्ट साइड उसके पीछे की साइड, लेफ्ट साइड एक दरवाजा था कमरे का। अब थोड़ी देर बाद उसको ये फील होता है कि जो दरवाज़ा है वो क्या हो रहा है, खुल रहा है। और आप पता है ना, खुलने के बाद कैसी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ उसको आई जैसे कि आप सुन रहे होंगे अभी, ऐसी आवाज़ आई। तो उसने देख, उसको ये लगा कि उसकी मेड आई हुई है, तो उसने वहीं उसी टाइम उसी साइड करवट करते उसने ये बोला, मतलब पीछे की तरफ उसने नहीं देखा, जहाँ राइट साइड उसने करवट कर रखी थी, तो उसने वहीं से ऐसा बोल दिया कि मेड अभी तुम चली जाओ, अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम शाम को आना। तो ऐसा उसने डॉक्टर ने बोल दिया। अब और उसने ये बोला था कि ज़्यादा टाइम गेट लगाते हुए जाना। पर थोड़ी देर बाद, मतलब ये मान लीजिए 1 मिनट हो जाता है, 30 सेकेंड, 1 मिनट हो जाता है, पर गेट लगने की आवाज़ नहीं आती है। क्योंकि यार जब उसने ये बोला था कि आप गेट लगा करके जाइए, पर गेट लगा के जाइए, पर गेट की लगाते टाइम आवाज़ नहीं आई, तो उसने क्या करा, पीछे करवट चेंज करी, मतलब ये देखने के लिए कि गेट लगा कि नहीं लगा। तो उसने देखा गेट तो खुला हुआ ही नहीं था, और वहाँ पर एक औरत उसको दिखाई पड़ती है। पर उसको लगा कि ये औरत है, ये औरत वो औरत है, मतलब कोई इमरजेंसी वाली बात मतलब इमरजेंसी आ गई होगी, अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाने आई होंगी। तो वो खड़ी होती है और उसके पास जाती है, और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो औरत गायब हो जाती है। फिर से उस डॉक्टर को ये फील होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही थकी हुई हूँ, हो सकता है ये मेरा थकावट जो मेरे जो दिमाग है वो थका हुआ है, उसका भ्रम है। तो वो फिर से रेस्ट करने की सोचती है और वापस अपने बेड पर चली जाती है, और बेड पर जाकर के फिर से रेस्ट करती है। अब आधे घंटे बाद क्या होता है कि उसका जब जब वो आराम कर रही होती है, रेस्ट कर रही होती है, तो उसका जो शरीर एकदम भारी भारी हो जाता है। शरीर भारी होने का मतलब यह है कि मतलब जैसे कि वो अपना हाथ उठाना चाह रही है तो उसका हाथ नहीं उठ पा रहा है, वो कुछ बोलना चाह रही है पर उसके मुंह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो उसका शरीर भारी सा हो जाता है, उसके मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है, तो उसके साथ ये सब होता है। तो वो क्या एकदम से ये सोचती है कि यार उसकी मेड ने ये बताया था कि इस अपार्टमेंट में कुछ ऐसी बात है। तो जैसे ही ये बात सोचती है तो वो एकदम रिलैक्स हो जाती है, एकदम वापस नॉर्मल हो जाती है, मतलब उसका शरीर हल्का हो जाता है, मतलब अब वो हाथ उठा सकती थी और बोल सकती थी। अब जैसे ही वो उस चीज़ से रिलीफ मिलता है उसको, वो नॉर्मल हो जाती है, तो वो जल्दी से भग करके अपने मेड के पास जाती है, और उसको बोलती है कि इस अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसके मेड से सब ये सारी बातें शेयर करती है कि उसके साथ अभी क्या क्या घटनाएं हुई है, मतलब कि उसके साथ अभी क्या क्या हुआ है, उसने उस सारी बात उस मेड को बता दी। अब उसकी मेड को इसने सारी बात बताई, तो उस रात तो वो उसकी मेड के घर पे ही सोई, और दूसरे दिन उसने क्या करा, वो जो अपार्टमेंट था वो अपार्टमेंट वहाँ से उसने खाली कर दिया। अब जैसे उसने वो अपार्टमेंट खाली करा और दूसरे अपार्टमेंट में जब वो शिफ्ट हुई, तो उसके बाद से फिर उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई। यही एक बात थी और ये एक रियल स्टोरी है। थैंक यू।